नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किले में। तो आज मैं आपके साथ स्प्राउट मूंग और आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्प्राउट मूंग में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आलू बच्चों को तो बहुत ही पसंद होते हैं, तो ये सब्जी खास बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे, बच्चे मांग मांग के खाएंगे। बच्चों को खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही पसंद होता है, तो हम इस सब्जी को थोड़ा खट्टा मीठा बनाएंगे। तो स्वाद में श्रेष्ठ टेस्ट में बेस्ट ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये सब्जी बनाने के लिए पहले तो मैंने एक कटोरी भर के अंकुरित मूंग लिया है, इसे मैंने पहले ही अंकुरित कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने आलू को स्टिक के शेप में काट लिया है। मूंग में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो शाकाहारियों के लिए मूंग एक अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। मूंग में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और एमिनो एसिड होते हैं, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारे मूड को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। वैसे तो मूंग को कच्चा खाना ही बेहतर है, लेकिन यहाँ पे हम इसे पका रहे हैं तो थोड़े से न्यूट्रिएंट्स इसमें कम हो जाएंगे। इस सब्जी में हम मूंग को कच्चा पक्का रखेंगे, एकदम से मूंग को नहीं पकाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने 2 बड़ी चम्मच जितना मूंगफली का तेल लिया है। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसमें 1/2 चम्मच राई ऐड करेंगे। राई अच्छे से फूल जाए फिर हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। राई और जीरा अच्छे से तड़क चुका है तो अब हम इसमें कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। गैस को हम मध्यम आंच पर रखेंगे और आलू जब तक आधे पक न जाए तब तक हम इसे इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट में आलू है वो आधे पक चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा चेक करेंगे कि आलू पका है या नहीं। तो एकदम नहीं पका है, थोड़ा सा कच्चा है, तो हमें बस यही अध पका आलू चाहिए। अब हम इसमें अंकुरित मूंग ऐड कर देंगे, मसाला भी इसी के साथ ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जो बहुत तीखा नहीं होता है लेकिन कलर देता है। तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का मैंने यूज़ किया है। 1 चम्मच जितना हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें नॉर्मल नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। लहसुन और लाल मिर्च पाउडर को कूट के मैंने ये चटनी बनाई है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, तो इसको मैं अच्छे से पानी में मिला दूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा और पानी भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे 3 से 4 मिनट तक ढक्कन बंद करके पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को खोल के चेक कर लेंगे कि मूंग अच्छे से पके हैं या नहीं। तो मूंग थोड़े से कच्चे लग रहे हैं, थोड़ा सा गुड़ पाउडर भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो गुड़ या फिर चीनी का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा चला के फिर ढक्कन को बंद करके फिर से 1 से 2 मिनट पका लेंगे। फिर से ढक्कन को खोल के चेक कर लेंगे, सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। मूंग हमें थोड़े से कच्चे ही रखने हैं। तो एकदम हेल्दी, स्वाद में श्रेष्ठ, टेस्ट में बेस्ट, बच्चों को पसंद आने वाली ये सब्जी तैयार हो चुकी है। सर्व करने के लिए डिश में निकाल लेंगे। थोड़े ही समय में घर के मसालों से एकदम मज़ेदार सी सब्जी बन के तैयार हो जाती है। गुड़ हमने इसमें ऐड किया है, तो थोड़ा सा नींबू भी इसके ऊपर हम निचोड़ देंगे और मिक्स करके फिर खाने के लिए ये तैयार है। थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे, तो हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनके तैयार है। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाली वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।